हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट भाई। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ग्रिप अ क्रिकेट बैट। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको बैट को ग्रिप कैसे करना है। ग्रिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटिंग में। जैसे योद्धाओं के पास तलवारें रहती है लड़ने के लिए, वैसे ही क्रिकेट में बैट्समैनों के पास कुछ इस तरीके का बैट रहता है रन्स बनाने के लिए। अब अगर आपको तलवार चलानी है तो सबसे पहले उसे पकड़ते कैसे ये सीखना पड़ेगा। वैसे ही क्रिकेट में अगर आपको एक बैट्समैन बनना है तो इस बैट को पकड़ते कैसे हैं, ग्रिप कैसे करते हैं, ये पहले सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे ये बैट को ग्रिप करना चाहिए आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही बेसिक वीडियो है, ये बेसिक नॉलेज है ये। चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बैट को ग्रिप करने का ये है कि आप बैट को ग्राउंड पर रख दीजिए, बिल्कुल ऐसे। अब बैट को रखने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों से वी फॉर्मेशन बनानी है, बिल्कुल ऐसे ऐसे अपने दोनों हाथों से वी फॉर्मेशन बनानी है। सबसे पहले राइट हैंड से बैट को पकड़िए ऐसे। अब राइट हैंड से पकड़ने के बाद राइट हैंड का जो वी का जो सेंटर है, ये वी का जो सेंटर है वो बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। अब ये होने वाली बॉल को कुछ लेफ्ट हैंड को लेकर आओ। अब लेफ्ट हैंड का ये जो वी है वो इस पार्ट से इस पार्ट के बीच में कहीं पर भी रह सकता है, सेंटर से इस पार्ट के बीच में आपका ये लेफ्ट हैंड का वी रह सकता है। मतलब इतने रेंज में आप अपने इस वी को कहीं पर भी रख सकते हो, लेफ्ट हैंड के वी को। अब ये डिपेंड करता है आप पे, आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे वो आप वैसे आप रख सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना कि आपका ये जो बैट है आपके हाथ में कंफर्टेबल होना चाहिए। आपके हाथों में कंफर्टेबल रहेगा तो आपका बैट फ्रीली कहीं भी घूम जाएगा आसानी से। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि एग्जैक्टली बैट को कहाँ से पकड़े, नीचे से पकड़े, ऊपर से पकड़े या फिर मिडल ऑफ द हैंडल से बैट को पकड़े। ये कन्फ्यूज़न रहती ही है, पर आज आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा, एक परफेक्ट रीज़न बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ कि आपको बैट यहाँ से ही क्यों पकड़ना चाहिए। अब मान लो अगर आपने बैट को नीचे से पकड़ा है, बिल्कुल ऐसे, अगर आपकी ये ग्रिप है मैच में, तो शॉट खेलते वक्त आपको कंट्रोल तो अच्छा मिलेगा शॉट में, पर इतनी अच्छी खासी पावर आप जनरेट नहीं कर पाओगे शॉट में। आप पुल शॉट, कट शॉट तो आसानी से लगा लोगे, पर लंबे लंबे शॉट जब आप मारने जाओगे तो आपको इतनी अच्छी पावर नहीं मिलेगी शॉट में। आपका ये जो बैट है वो आपके हाथों में फंसेगा जब आप लंबे शॉट मारने जाओगे। क्योंकि आपको रिदम नहीं मिलेगा, इस ग्रिप से आपको रिदम नहीं मिल पाएगा जो रिदम आपको लंबे शॉट्स मारने के लिए चाहिए। इसीलिए आपको बैट को नीचे से तो ग्रिप करना नहीं है। अब मान लो आपने बैट को नीचे से पकड़ा है, बिल्कुल यहाँ से, अगर ये ग्रिप होगी आपकी मैच में तो क्या होगा, इस ग्रिप से आपके शॉट में तो अच्छी खासी पावर जनरेट होगी, लंबे लंबे आप शॉट्स मारोगे आसानी से। पर इस ग्रिप का एक डिसएडवांटेज भी है, इस ग्रिप का डिसएडवांटेज यह है कि आपका शॉट में कंट्रोल उतना अच्छा नहीं रहता। आप जब भी शॉट मारोगे शॉट तो काफ़ी लंबे जाएंगे पर उस शॉट पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इस ग्रिप का यूज़ करते हैं बैटिंग करते वक्त, और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं रसल, पोलार्ड, ये सारे पावर हिटर्स हैं, पावर हिटिंग के लिए फेमस है ये सारे प्लेयर्स। बट यहाँ से बैट पकड़ने से क्या होता है, आपका बैट का ये जो फ्लो है वो भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बैट का फ्लो भी अच्छा हो रहा है और वो जो रेंज है बैट फ्लो का जो रेंज है वो भी बढ़ जाता है। बट इस ग्रिप का मेजर प्रॉब्लम यही है कि आपका कंट्रोल नहीं रहता शॉट में, तो इसीलिए आपको बैट को यहाँ से भी नहीं पकड़ना है। अगर आपको पावर के साथ साथ कंट्रोल भी चाहिए तो आपको बैट मिडल ऑफ द हैंडल से पकड़ना है, बिल्कुल यहाँ से। यहाँ से पकड़ने के बाद आपका ये जो बैट है वो फ्रीली कहीं पर भी आप घुमा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं बैट कहीं पर भी घुमा सकता हूँ, मेरा बैट जो है मेरे हाथों में फंसेगा नहीं, एकदम कंफर्टेबल रहेगा और मैं लंबे लंबे शॉट्स आसानी से मार सकता हूँ इस ग्रिप से, वो भी कंट्रोल में। तो ये एक परफेक्ट ग्रिप है आपकी। और एक बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप बैट को ग्रिप करते हो कि आपका ये जो टॉप हैंड है वो टाइट रहेगा बैट को ग्रिप करते समय, इसको टाइट रखना है आपको, ये लूज़ नहीं रहेगा, इसको टाइट रखना है। और ये जो बॉटम हैंड है इसे लूज़ रखना है, ये जो बॉटम हैंड है इसे लूज़ रखना है, ये टाइट मत रखना। तो ये एक परफेक्ट ग्रिप है राइट हैंड बैट्समैन के लिए। इस वीडियो में जो भी मैंने स्टेप्स बताए उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ये जो मैंने ग्रिप बताई इस वीडियो में वो राइट हैंड बैट्समैन के लिए है। अगर आप लेफ्टी हो तो इसका आप उल्टा कर सकते हो। और ग्रिप हर बैट्समैन की अलग अलग होती है, सेम ग्रिप हर बैट्समैन की नहीं होती। कोई बैट्समैन अलग ग्रिप से बैटिंग करता है, कोई बैट्समैन अलग ग्रिप से बैटिंग करता है, तो आपको आपके लिए कौन सी ग्रिप कंफर्टेबल है ये फाइंड आपको खुद को करना है।
तो चलिए फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपके कमेंट का रिवर्ट करके मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पे सॉल्व करूँगा। और हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, ये हमारा यूज़र नेम cricketbio1, और हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाते रहते हैं क्रिकेट के रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।